नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अमित कुमार सिंह, एक के सिंह लोहिया टेक्निकल गुरु में आपका स्वागत है। मैं आपके सामने आज एक बहुत ही बढ़िया वीडियो लेकर आया हूँ, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है जो वीडियो। मेरे पास क्या हुआ, एक कस्टमर का फ़ोन आया, नारजो का फ़ोन था, और उस फ़ोन में क्या समस्या थी कि दुकानदार के थ्रू मेरे पास फ़ोन आया हुआ था कि उसमें समस्या थी, क्या थी, हेडफोन जैक की, कि उसके अंदर ऑडियो का हेडफोन का जैक का साइन आता है, जिसमें लोगो आता है, वो आ रहा था। मैंने उसको काफ़ी ट्रेसिंग किया, ट्रेसिंग करने के बाद मेरे को लाइन वगैरह बिल्कुल ओके नज़र आई। तो मेरे को लाइन वगैरह बिल्कुल ट्रेसिंग करने के बाद ओके लगी, तो मैंने सोचा कि इसको एक काम करता हूँ, मैं क्या करता हूँ, इसकी आईसी साउंड आईसी ऑडियो आईसी को चेंज कर देता हूँ। मेरे ऑडियो आईसी को चेंज करने का विचार बनाया और मैंने इसकी ऑडियो आईसी चेंज कर दी, उसके बाद भी उसके अंदर सेम प्रॉब्लम नज़र आ रही मेरे को। फिर मैंने एक क्या किया, मैंने एक मार्केट से सीसी पत्ता लेके आया, ये उसका सीसी पत्ता है, मैं ये मार्केट से लेके आया, उसमें ये लगाया तो उसमें भी सेम प्रॉब्लम रही। उसके बाद मेरे को क्या हुआ, मेरे को लगा कि चलो एक और ले आता हूँ। फिर मैं उसके बाद उसका एक और सीसी पत्ता ले आया, जिसके बाद भी प्रॉब्लम जैसी थी वैसी ही रही। मैंने उसके बाद सोचा कि कस्टमर का फ़ोन वापस दे दी, लेकिन मैंने ये सोच के कि ये समस्या भविष्य में फिर आएगी, ऐसे मैं कस्टमर को फ़ोन वापस देता रहूँगा तो मैं ऐसे कैसे काम कर पाऊँगा। तो ये चीज़ मैंने थोड़ी ध्यान में रख के मैंने क्या किया, मैंने उसका फ़ोन को रिपेयर करने का विचार बना लिया। और मैंने उसके बाद क्या किया, मिडल पत्ता होता है इसके अंदर, मैंने ये मिडल पत्ता जैसा था वैसा के वैसा ले आया, और मैंने मिडल पत्ता भी चेंज कर दिया, उसके बाद भी समस्या वैसी ही रहती है। फिर मेरे को ध्यान आया कि मेरे पास एक फ़ोन पड़ा हुआ है सेम कंपनी का है, तो मैंने वो निकाला, मेरे पास ये था जो फ़ोन था, तो मैंने ये निकाला और उसमें लगाया, तो उसमें क्या हुआ, उसके अंदर ऑडियो का तो प्रॉब्लम होगी दूर, ऑडियो हेडफोन की जैक की, तो हेडफोन का जो लोगो आ रहा था वो तो हो गया दूर, लेकिन उसमें अलग से समस्या क्या आ गई, उसके अंदर अलग से समस्या ये आई कि उसके अंदर आवाज़ ही नहीं जा रही थी, माइक नहीं जा रहा था। तो उस कंडीशन में मैंने क्या किया, उसके अंदर मार्केट से उसके अंदर J2 वाला माइक लग रहा था 2 पिन का, तो मैंने उसमें J2 का माइक उसके अंदर लगाया। मेरे दोस्त की दुकान थी, राकेश भाई है, उसकी दुकान थी, मैंने उसकी दुकान पे लगाया, मैंने लगाने के बाद वो काम नहीं किया, फिर मैंने दूसरा माइक लगाया वो काम नहीं किया। मैंने उसके बाद सोचा कि क्यों ना एक सीसी पता और ले लेता हूँ, है मैं क्या था मिडल की दिक्कत हो, क्योंकि मिडल मेरे को पुराना मिल गया था, उसमें सही चला वो नहीं। उसके बाद भी समस्या जैसी थी वैसी ही रही। मैंने उसके बाद मैंने एक बार तो मन बना लिया था कि मैं कस्टमर का फोन वापस दे दूँ, लेकिन फिर मैंने एक ध्यान किया कि मेरे पास जो सीसी पत्ता जो चल रहा था उसके अंदर, उसका ये एक प्रिंट उखड़ा हुआ था, जो जिस पे कार्बन वाला आया हुआ था, ब्लैक सा नज़र था, मैंने वो चेंज किया। वो चेंज करने के बाद मैंने दूसरे में से अलग करके उसके अंदर मैंने लगा दिया, उसके बाद भी माइक की समस्या जैसी थी वैसी ही रही, माइक नहीं चला। फिर मैंने क्या किया, थोड़ा धैर्य रख कर मैंने, मेरे पास ये फ़ोन था, ये सीसी पत्ता था, मैंने इसका उतार के मैंने उसके ऊपर लगाया, तो माइक मेरा चल गया, बढ़िया बढ़िया प्रॉपर वर्क कर रहा है उसके अंदर। अब फ़ोन के अंदर ना तो उसमें समस्या क्या आ रही थी, हाँ अब मैं आपको बता देता हूँ उसके अंदर समस्या क्या आ रही थी। जैसे ही ये लगा रहा था ना, लगाते ही रिंगर लगाते ही ऑडियो का उसके अंदर लोगो आ जाता था ईयरफोन का, तो वो समस्या आती इससे नहीं आती थी। वो समस्या क्या होती है, वो समस्या होती है एक सीसी पत्ते में,
तो मैं दुकानदार, जितने भी मेरे दुकानदार भाइयों हैं, मैं उनको सभी को यही कहना चाहता हूँ कि आप कभी भी भविष्य में आपके पास अगर कोई फ़ोन आ जाए जैक लगवाने के लिए, तो उस मेरे से गलती हो गई थी कि मैं उसका सीसी पत्ता मैं छोड़ कर आ गया, मैंने वो फेंक दिया, मैंने दूसरा ले लिया, मैं क्या काम का, मैंने फेंक दिया। तो भविष्य में जब तक आपका काम पूरा ना हो जाए, 100% ओके ना हो जाए और कस्टमर की सेटिस्फेक्शन ना हो जाए, तब तक इसको फेंकना नहीं। और मेरी अगर मानो तो मैं ये कहता हूँ कि अपने पास कोई भी चीज़ हो, तो मैंने इस तरह से डब्बा बना रखा है, उसमें मैंने काफ़ी संभाल के रख लेता हूँ। ये पुराने हैं, ये ख़राब हो जाते हैं, इनको भी संभाल के रख लेता हूँ। तो मैं यही चाहूँगा कि आप जितने भी दुकानदार हो, परेशान ना हो, और ऐसी अगर समस्या भविष्य में मेरे साथ बनी, आपके साथ ना बने, इसीलिए आप इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना, और आपको किसी प्रकार की समस्या है अगर रिपेयरिंग के, तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा कांटेक्ट नंबर है 8168220290, ये मेरा मोबाइल नंबर है, आप मेरे से व्हाट्सअप कर देना और मेरे से सॉल्यूशन पूछ लेना, मैं आपको जहाँ तक हो सकेगा मैं आपको बता दूँगा। जय हिंद, जय भारत, फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो पे, किसी नई टॉपिक के साथ, और मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप संतुष्ट हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हमारा चैनल पहले ही बहुत डाउन चल रहा है, तो आशा करता हूँ आप मेरे द्वारा जानकारी से संतुष्ट हों और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सबका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।